इसमें यकीन करने वाली क्या बात है। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में हुए आतंकी हमलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर उग्रवाद को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, वह दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद अनुच्छेद 370 के कारण था और इसके हटाने के बाद यहाँ शांति कायम होगी। उमर ने कहा, हमने हमेशा कहा था कि अनुच्छेद 370 का उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं है और अगर इसे हटा भी दिया जाए तो उग्रवाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अब ये साबित हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आतंकी जम्मू कश्मीर में चुनावों को रोकने के लिए हमला कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इन ताकतों के आगे नहीं झुकना चाहिए और जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए, यहाँ पे अमन छाया रहेगा। ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम के तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। फारूक साहब कह रहे हैं कि सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए ये जो है अटैक्स हो रहे हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा ना। ये आपने फारूक साहब से सवाल किया, वो फारूक साहब का जो जवाब है आपके सामने है। क्या आप मानते हैं कि ये स्टडी लैब से बीजेपी की तरफ से? बीजेपी के तरफ से नहीं ना, बीजेपी का ये हुकूमत के तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, इसके लिए कसूरवार कौन है? जब एक तरफ से जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को इन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाता था, ठीक है ना। अगर उन हमलों के लिए हम कसूरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसूरवार है? जाहिर सी बात है ये लोग हैं और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सीनियर पोस्टों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो चाहे वो राजभवन के एडवाइज़र हों, मेहरबानी करके अपने ऐशो आराम को छोड़ें और अपने काम के तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दें। एज अ ग्रोइंग डिमांड की इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और जो मिलिटेंट बेसिस पीओके में उनको स्ट्राइक करना चाहिए। मेरा उसमें कोई कहना नहीं है ना, जो मैंने इस तरह की कोई डिमांड सुनी नहीं है और इस तरह के फैसले हम जैसे लोग नहीं करते। इस तरह के फैसले जो हैं वो बड़े पैमाने पर होते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने स्ट्राइक किया, क्या ये हमले रुके? आपने बढ़ चढ़ के जो है बालाकोट में स्ट्राइक करने का दावा किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो कि स्ट्राइक करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया जाएगा, ठीक है ना, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। साहब, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ है, दूसरी जगह जम्मू में मिलिटेंट के अटैक्स हो रहे हैं, तो कोई अप्रिहेंशन है आपका कि? मुझे कोई अप्रिहेंशन नहीं है। अगर हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन ताकतों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर वक्त पे इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के पैर थोड़े हिल गए और वो इन ताकतों के सामने झुक गए और इन हमलों के बाद उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किया, तो मुझे लगता है वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बहुत बुरी बात होगी। ये हमले अगर किए जा रहे हैं इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए, तो फिर मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि हम इन ताकतों को कामयाब होने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारी जो केंद्रीय सतह पर लीडरशिप है अगर वो इन ताकतों के सामने झुकना चाहेगी तो ये फैसला उनका होगा।